हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो है इसमें आपको एक बिग अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ। आप इसको अपडेट ना समझ कर के इसको आप एक मजाक समझ सकते हैं। जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उसमें जो आया हुआ है मैं आज आपके साथ वो डिस्कस करूंगी। देखिए, न्यूज़पेपर की कटिंग में ये बताया गया है कि आपको पीछे क्या बताया गया था कि जो एचटेट की वैलिडिटी है वो कितनी कर दी गई थी, उसको लाइफ टाइम कर दिया गया था, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि ये हरियाणा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये लोग कहकर भी मुकर सकते हैं। और इन्होंने सेम चीज करी है कि ये जो है कहकर भी मुकर गए हैं। इन्होंने क्या बोला, पहले जो एस्टेट की वैलिडिटी थी वो कितनी थी, 5 ईयर्स की थी, फिर इन्होंने करी 7 ईयर्स की, ठीक है। फिर बीच में जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि जो एस्टेट की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम हो जाएगी और आपको एस्टेट देने की जरूरत नहीं है। तो जिन बच्चों को ये लगा भी हाँ वैलिड हो गया है और ये सही कह रहे हैं, तो उन्होंने शायद फॉर्म भी नहीं फिल करे होंगे। लेकिन अब ये लोग क्या कह रहे हैं, अब जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भाई मैंने तो सोचा था कि मैं लाइफ टाइम ही कर दूंगा, लेकिन और मेरी जो है सीएम से बात भी हो गई थी, लेकिन अब क्या कह रहे हैं ये कि कानूनी अड़चन की वजह से, तकनीकी अड़चन की वजह से जो एचटेट की वैलिडिटी है वो फिलहाल 7 साल की ही मानी जाएगी, लेकिन इसको जो है बीच का रास्ता बनाते हुए इसको 10 साल के लिए हम लोग कर सकते हैं, इस पे जो है बात चल रही है, ठीक है। तो आप इसको तो भूल ही जाइए कि एचटेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम होगी। वैसे इनकी किसी भी बात पे भरोसा हो ही नहीं सकता है अब, और ये देखने का बात तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो है ना, ये बहुत अच्छा मजाक। तो और इससे बढ़िया और मजाक है कि जो पहले एचटेट की वैलिडिटी थी वो कितनी थी, 7 थी, अभी भी आप 7 ही मान करके चलिए, और लाइफ टाइम जो है वो इन्होंने मना कर ही दिया है कि हो नहीं सकता है कानूनी अड़चन की वजह से। और ये जो 10 साल वाली जो चीज है इस पे भी विचार किया जा रहा है, बैठकें होंगी, डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि जो एचटेट की वैलिडिटी है वो आखिर कितने साल की है। तो राइट नाउ अभी के लिए एट प्रेजेंट आप जो एचटेट की वैलिडिटी है वो कितनी मानेंगे, वो 7 साल मान करके चलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली है कि जो टीजीटी की भर्ती है इन्होंने निकाली थी, अब तक तो फॉर्म फिल भी हो जाने चाहिए थे लेकिन बीच में रुक गई है ना वैकेंसी, ये लोग निकालने का नाम लेते नहीं है, निकालते हैं तो फिर उसका ये हाल होता है। अब कह रहे एचएसएससी कह रहा है कि भाई वैकेंसी जो है वो हम लोग तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, हम लोग जैसे हमारे पास आएगा मैसेज हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसा मानना है किसका, एचएसएससी का बोला, जब तक हमें गवर्नमेंट नहीं कहेगी हम नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अभी पीजीटी वाला निकला हुआ है, अभी आपने देखा है, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, अगर नहीं देखा तो आप उसको जाकर के देखिए। जो पीजीटी वाला है उसमें क्या था कि जिन्होंने 2015 में एचटेट क्वालिफाई किया था ना, तो 2015 में जिन्होंने एचटेट क्वालिफाई किया था उसका उनका जो एचटेट है वो 31 दिसंबर से पहले क्या हो रहा है, वैलिडिटी जो है वो खत्म हो रही है। तो न्यूज़पेपर में क्या बताया गया है कि जो उनकी जो वो जो है उनकी जो वैलिडिटी है वो 31 दिसंबर से पहले खत्म हो रही है, बट वो जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनका जो एचटेट है वो 2015 वाला एचटेट है, तो आपकी जो वैलिडिटी है वो 31 दिसंबर तक है, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो आप इसको कर दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थी जो मुझे आपको देनी थी, ये आप कुछ भी आप इसको एक्सवाइजेड समझ सकते हो, ठीक है। आप कितना गंदा हाल है एजुकेशन का स्पेशली हरियाणा में, ये आप सभी को पता है। तो इन्होंने फिर से आपके साथ एक मजाक कर दिया, खेला कर दिया है, तो आप इस मजाक को देख लीजिए कैसे डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और आपको आपके क्या विचार है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अभी इतना ही है, इतनी ही वीडियो है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।